गाइस, दिस इज हेमंत और आज मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ एक हेडफोन जो कि है मॉडल नंबर है बोट बेस हेड 225 स्पेशल एडिशन। इसके पहले मैं शनाइजर यूज़ कर रहा था, शनाइजर MX170 जो कि काफ़ी अच्छा चला, ऑलमोस्ट 1.5 साल चला ये हेडफोन्स। बट अभी इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसका लेफ्ट साइड का हेडफोन्स काम करना बंद कर दिया है और राइट साइड का अभी भी चल रहा है, पर फिर भी मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ, पर मुझे अपग्रेडेशन की काफ़ी ज़रूरत थी इसलिए मैंने ये ऑर्डर की। तो काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे मैंने काफ़ी सारे रिसर्च किए और थोड़ा शॉर्टलिस्ट किया ये हेडफोन्स जो कि हैं बोट की। सो लेट्स डू द अनबॉक्सिंग। So let's unbox. मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ये फैंसी बॉक्स में आएगा, कुछ फाइबर का कवर रहेगा, पर ये काफ़ी सिंपल लग रहा है, पैकिंग काफ़ी सिंपल है। इसके ऊपर MRP इसके सुपर एक्स्ट्रा बेस, 1 बटन माइक्रोफोन, फ्लैट टैंगल फ्री केबल और हैंड फ्री पिकअप एंड एंड, मतलब इसमें एक बटन भी दिया है या इसमें माइक है कि नहीं वो मुझे पता नहीं। हाँ, इसमें माइक्रोफोन भी है, ये उसके थोड़े से स्पेसिफिकेशन है। तो ये रहा हेडफोन, ब्लू कलर, कुछ स्पेशल एडिशन है। अभी इसमें कुछ स्पेशल है कि नहीं वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर ठीक है। और इसके साथ एक्सेसरीज मिले हैं, ये अगर बात करने चाहे कि इसके एक्सेसरीज़ की, तो इसके साथ उसके एयर प्लग्स दिए गए हैं जो कि ब्लू कलर और सिल्का कलर के कॉम्बिनेशन में है। ब्लैक कलर के इसमें यहाँ सिर्फ 2 ही पेयर दिए हैं, हुक ईयर हुक है और एक केबल ऑर्गेनाइज़र है। अगर आप गौर से देखोगे तो ये सबसे बड़ा ईयर पीस है, उसके साथ सारे के सारे अपने एक ही साइज़ के हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये ठीक बात है एक्सेसरीज़ में देने के लिए। हालांकि ब्लैक कलर के जो भी दो पेयर्स दिए हैं वो काफ़ी प्रॉपर हैं, एयर हुक भी प्रॉपर है और इसके ऊपर ये मैनेजर भी काफ़ी ठीक लगता है। फ़िलहाल क्वालिटी में मुझे क्वालिटी में इसमें कोई कमी नहीं दिख रही है, पर फिर भी ये मुझे चीज़ दिल पे लग गई क्योंकि इसके साथ और एक उसी साइज़ का एक एयर प्लग देना चाहिए, पर उन्होंने ये नहीं दी। दैट्स वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक बोट ने जो किया है। अगर इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एयरफोन्स के होस मेटल से बने हुए हैं जिसके ऊपर मेटल नर्निंग का पैटर्न है। और इसके केबल की बात करें तो इसके केबल ट्रायंगल फ्री दिया गया है, बट ये 100% ट्रायंगल फ्री नहीं है। केबल के एंड में 3.5 mm का गोल प्लेटेड एल शेप का हेडफोन जैक लगा हुआ है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ब्रांडिंग के बारे में बात करें तो बोट ने इस पर खास ध्यान दिया है। इसके ऊपर जो मेटल का हाउसिंग है उस पर भी बोट का ब्रांडिंग है और इसके ईयरफोन के होस पे भी ब्रांडिंग दी है। कंफर्ट की बात करें तो ये हेडफोन्स मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं लगा। साउंड क्वालिटी की बात करें तो ये हेडफोन्स काफ़ी लाउड हैं, इसे ज़्यादा देर तक फुल वॉल्यूम पर यूज़ करें तो आपको परेशानी होगी। क्लैरिटी के मामले में ये हेडफोन्स डिसेंट है, पर इसका जो बेस और ट्रिबल है वो काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल इसके बारे में बात करें तो 600 रुपये में ये आपको काफ़ी अच्छे हेडफोन्स हैं।
और मैं ऐसे डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम में। थैंक यू।